डॉक्टर साहब, चुनावी आगाज हो चुका है, चुनावी 25 तारीख को चुनाव हमने आज बैठक की गई है, क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? हम तो पिछले 6 महीने से निरंतर चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और अब विधिवत रूप से चुनाव घोषित हो चुके हैं, हमारे प्रत्याशी यहाँ से घोषित हो चुके हैं। आज पहली ये मीटिंग उन्हीं के उसमें हुई है और कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश करने की याद हुआ पूरी ध्यान से मेहनत करें। आपने छात्र राजनीति से शुरू करी, आपने हमेशा युवाओं के लिए बोला, लेकिन अब तो चुनाव हो रहे हैं, इसमें ना तो कहीं युवाओं का कोई जिक्र किया जा रहा है, युवाओं के बारे में कोई मतलब ऐसा प्रस्ताव नहीं लेके आ रहे चुनाव लड़ने वाले लोग, आप क्या कहेंगे? अरे भाई, आप हमारी लिस्ट उठा के देखो, 3 कैंडिडेट हमारे युवा हैं जो 30 साल से भी नीचे के लोग हैं। आप युवाओं की बात करते हो तो चुनाव घोषणा पत्र में झांक करके देखना, उससे पता लगेगा। डॉक्टर साहब, आपके खासम खास रहे मीनू बेनीवाल कर गए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रतिक्रिया है? आपके बहुत करीबी रहे हैं, आपके तो पहले भी कहता रहा हूँ, मेरा अजीज था, आज भी है, तो आस्था उसने बदली, मैंने तो नहीं बदली। पार्टी के लिए भी उन्होंने टिप्पणी किया सर कि पार्टी के लिए कहा कि ये उनकी सोच हो सकती है, हमने तो अपना कोई चाल चलन बदला नहीं है, चाल चलन बदला है या आस्था बदली है तो उन्होंने बदली, ये वही खुलासा करें। सर, दुष्यंत जी ने 75% आरक्षण को लेकर प्रयास किए थे लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाए, क्या प्रयास वो जारी रहेंगे? बिल्कुल निरंतर जारी रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम उस केस को लड़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। आपको जननायक जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, सिरसा में आप आए हैं, क्या विशेष रहेगा, क्या सोच लेके आए सिरसा के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे अपना आशीर्वाद दे करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट के रूप में लोगों के बीच में भेजा, तो मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सिरसा की आवाज होगी उस आवाज को मैं लोकसभा में गुजारने का काम करूंगा और जो भी अधूरे काम है सिरसा क्षेत्र के उनको पूरा करने का काम करूंगा और प्रदेश सत्र के जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे उनको उठाने का काम करूंगा। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सोपोर हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आए नहीं है, आप दो ही मैदान में हैं, तो किस तरह से देखते हैं डॉक्टर सोपोर, किस तरह की फाइट आपके बीच होने वाली? कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट जो भी आता है तो अपने आप को विनिंग समझता है, लेकिन पता तब चलता है जब मैदान में आते हैं। तो डॉक्टर तंवर जी आए हुए हैं, बहन शैलजा का भी नाम चला हुआ है और भाई साहब ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे भी मैदान में उतार दिया है, तो अब उनकी ताकत का उनको पता लगेगा। और सिरसा के लोगों ने तो डॉक्टर तंवर को पहले भी MP बना करके भेजने का काम किया, बहन शैलजा को भी भेजने का काम किया, अब तो यहाँ की जनता है वो चाहती है अब किसी तीसरे चेहरे को हम बना करके लोकसभा में भेजने का काम करें और अब वो तीसरा चेहरा भाई साहब अजय चौटाला जी के आशीर्वाद से रमेश फटक आ गया है जो 36 को हम अपना आशीर्वाद दे करके MP के रूप में लोकसभा में भेजना चाहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे सर? जो भी स्टेट के डेवलपमेंट के मुद्दे होंगे, जो भी मेरे क्षेत्र के मुद्दे होंगे उनको उठाने का काम करूंगा।